श्री गणेशाय नमः। नमस्कार दोस्तों, ये राशिफल चंद्र राशि पर आधारित है। चंद्रमा मन का कारक है, इस वजह से चंद्रमा की पोजीशन हमारे रोज के जीवन को बहुत ज्यादा प्रभावित करती है और इसके अकॉर्डिंग हमारा दिन अच्छा या बुरा जाता है। इस दिन चंद्रमा आपकी कुंडली में अष्टम भाव में गोचर करेंगे। ये दिन आपके लिए कई मामलों में अच्छा साबित होगा और इस दिन आपके लिए कई मामलों में सतर्कता भी बरतनी पड़ेगी। इस दिन को आपको अचानक से धन प्राप्ति हो सकती है। आपका रुका हुआ पैसा इस दिन आपको मिल सकता है। उन पैसों की जिनकी आप कई दिनों से वेट कर रहे थे, वो आपका पैसा जो कहीं पर फंसा था वो इस दिन आपको मिल सकता है। इस समय में स्वास्थ्य का ख्याल आपको जरूर रखना है, बीमारियां आपको घेर सकती है, वात रोग, रक्त विकार आदि में कष्ट मिलने की संभावना रहेगी। इस समय में आपके शरीर में एनर्जी की कमी भी रह सकती है। अष्टम भाव में चंद्रमा की स्थिति पारिवारिक कलह क्लेश बढ़ा रही है। आपको इस दिन क्रोध पर नियंत्रण रखना जरूरी होगा। तोल मोल कर बोलिएगा, नहीं तो आपकी किसी से इस दिन लड़ाई हो सकती है। घर परिवार में शांति बनाए रखने की कोशिश जरूर करें। इस समय में विद्यार्थियों का पढ़ाई में मन नहीं लगेगा। विद्यार्थियों के लिए उपाय करना इस समय में जरूरी है, क्योंकि इस दिन अगर कोई एग्जाम या कंपटीशन आती है तो मेहनत ज्यादा करनी होगी, तब जाकर आपको फल की प्राप्ति हो सकती है। इस समय में अपने कार्यक्षेत्र में आपको धैर्य रखना चाहिए। इस समय में काम का बोझा भी आप पर ज्यादा रहेगा, लेकिन धैर्य रखोगे तो आपके लिए समय शुभ रहेगा। नहीं तो आप इस समय में कोई गलती, कोई लापरवाही कर सकते हैं। इस दिन आपके लिए ऑरेंज रंग का इस्तेमाल करना शुभ रहेगा और 9 अंक इस दिन आपके लिए लकी साबित हो सकता है। दोस्तों, ये राशिफल चंद्र राशि पर आधारित है, लेकिन कभी कभी हमारी पर्सनल कुंडली में बाकी ग्रहों की पोजीशन कुछ इस तरह की होती है कि आपके राशिफल परिणाम में बदलाव दिख सकता है। इसलिए राशिफल को एक मार्गदर्शन के तौर पर लिया जाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा।